नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में संज्ञा की समझौती प्राप्त करेंगे। आगे हमने दो संज्ञा की समझौती प्राप्त की ली है, तो अब हम आगे दूसरी समूहवाचक संज्ञा की समझौती प्राप्त करेंगे। समूहवाचक की परिभाषा है, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह यानी कि एक से ज्यादा लोग हो उसे समूह कहते हैं और इसी संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं समूह का बोध कराने वाले शब्द कौन से हैं। सेना, ढेर, सभा, मंडली, झुंड, गैंग, बैंड, टोली जैसे शब्द है जो हमें समूह का बोध कराते हैं, जिसमें एक से ज्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं और इस शब्द का प्रयोग होता है। अब हम उदाहरण देखें। यहाँ वाक्य है, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। इसमें भीड़ ये समूहवाचक है क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा लोग इकट्ठे है, तो यह समूहवाचक संज्ञा का शब्द हुआ। तो दूसरा वाक्य है, बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। इसमें टोली शब्द है जो समूह का सूचन करता है क्योंकि टोली में एक से ज्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं। इस तरह टोली भी समूहवाचक संज्ञा का ही शब्द है। दूसरा वाक्य है, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं। यह चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सभा भी समूह का सूचन करता है। तो आगे दूसरा वाक्य है, हमारे देश की सेना बहादुर है। हम जानते हैं कि सेना कभी एक लोगों से नहीं बनती होती, उसमें कितने सारे लोग होते हैं, तो सेना भी समूहवाचक संज्ञा का सूचक शब्द है। तो अब हम अगली संज्ञा भाववाचक संज्ञा उसकी समझौती प्राप्त करेंगे। तो पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं। तो पहला वाक्य है, मनीषा को प्यास लगी है। इसमें प्यास वह एक रेखांकित शब्द है। दूसरा वाक्य है, हमें हमारे देश से प्यार। इसमें प्यार है वह रेखांकित शब्द है। अब तीसरा वाक्य है, आज गर्मी बहुत है। इसमें गर्मी है जो रेखांकित शब्द है। तो अब हम उसकी परिभाषा जानेंगे। यहाँ प्यास, प्रेम, गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणी, स्थान के नाम न होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा स्वभाव आदि का बोध कराते हैं तो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जैसे प्रेम, प्यास वह एक भाव है, हम उसे महसूस कर सकते हैं किंतु देख नहीं सकते। जैसे कि गुस्सा है, रोना है, हंसना है, यह सब हम महसूस कर सकते हैं पर हम उसे छू नहीं सकते। इस शब्द को दर्शाने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा। पहला उदाहरण है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती। इसमें चढ़ाई वह एक भाववाचक शब्द है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा है, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है। शांति, दया और प्रेम यह तीनों भाव ऐसे हैं जो हमें महसूस होते हैं किंतु दिखाई देते नहीं है। अब है वाक्य, अनीशा को बहुत गुस्सा आता है। इसमें गुस्सा शब्द है जो भाववाचक है क्योंकि उसे हम महसूस कर सकते हैं किंतु देख सकते नहीं है। अब है, मित्रता अनमोल होती है। यानी कि मित्रता भी मित्रता का भाव प्रकट करता है, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहा गया है। तो अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की समझौती प्राप्त करेंगे। तो पहले हम कुछ वाक्य देखेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा जानेंगे। पहला वाक्य है, नेहा को सोने के गहने पहनना बहुत पसंद है। इसमें रेखांकित शब्द है सोना। अब दूसरा वाक्य है, माँ रोटी बना रही है। उसमें रेखांकित शब्द है रोटी, पहले सोना और रोटी। अब तीसरा वाक्य है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। इसमें रेखांकित शब्द है पेट्रोल। तो हमने सोना, रोटी और पेट्रोल यह तीनों शब्द कैसे है रेखांकित है। द्रव्यवाचक की परिभाषा जानते हैं, सोना, रोटी, पेट्रोल शब्द तो संज्ञा शब्द ही है लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इन्हें नापा या तोलना पड़ता है। हम
सोने को गिन नहीं सकते पर उसे तोल सकते, यानी कि धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ है उसको सूचित करने वाला शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम उदाहरण देखेंगे। दक्षिण भारत के लोग खुराक में चावल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। चावल है वो एक द्रव्य है, तो अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। दूध हमें रोज पीना चाहिए, इसमें दूध है जो द्रव्यवाचक है, क्योंकि खाने पीने की चीजें का समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है और धातुओं का भी समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। तो मुझे आशा है कि आपको सभी संज्ञाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी और यह आपको परीक्षा में उपयुक्त होगी। धन्यवाद।